आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ, मैं आज अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है और इधर अर्पण बैठा हुआ है। और आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो देखिए पीछे आग भी जल रहा है और हम लोग आग भी सेका रहे हैं। तो आज मेरी फ्रेंड आई हुई है, तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ लोकल चिकन, और हमारे झारखंड में तो इसे देहाती चिकन बोलते हैं। तो मैं जो भी आज जो चिकन बना रही हूँ वो पूरी देहाती स्टाइल में बनाऊँगी, जो हमारे झारखंड में हम लोग नॉर्मली बनाते हैं उसी तरीके से बताऊँगी, और उसी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज मैं जो चिकन बनाऊँगी वो देहाती स्टाइल में बनाऊँगी। तो देखिए मैंने यहाँ 1.5 kg जो लोकल चिकन होता है वो ली हूँ। प्याज है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, टमाटर, तेज़पत्ता और ये खड़ा लहसुन है, इसे मैं नहीं छीली हूँ। और इधर खड़ा गरम मसाला है, चिकन मसाला, और इधर कुछ मसाले मैं ली हूँ, नमक और सरसों तेल ली हूँ। तो चलिए अब चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा कढ़ाई हो गया गरम, अब इसमें मैं तेल डालती हूँ। तेल मैं डालूँगी लगभग 1.5 चम्मच, और मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ। तेल गरम होने वाला है, तो तेल गरम होने से मैं कुछ खड़े मसालों का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें गोल मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ये सब का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये खड़े मसाले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। गरम हो गया है तो मैं कुछ जो खड़े मसाले लेते हैं उसको मैं डाल देती हूँ। और इधर देखिए हमारा खाना भी खौल रहा है। खड़े मसाले लगभग फ्राई हो गए हैं, तो इसमें मैं तेजपत्ता डाल देती हूँ। इसमें मैं जो काटी थी प्याज उसे भी डाल देती हूँ, और हरी मिर्च। प्याज सबसे गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ कुटी हुई अदरक, और जो मैं लहसुन छील के रखी थी उसे भी डाल देती हूँ। इसमें नहीं कुटी हूँ, बस छील के रखी हूँ, इसे भी मैं डाल देती हूँ। और जो मैंने 4 खड़ा वाला जो ये लहसुन दी थी उसे मैं नहीं छीली हूँ, बस धो करके रखी हूँ, उसे भी डाल देती हूँ और साथ में भून कर देती हूँ। जब तक ये गोल्डन फ्राई होता है तब तक इसे मैं इसी तरह से फ्राई करती हूँ। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, देखिए बहुत अच्छी तरह से भून गया है और पक भी गया है, तो इसमें मैं अब चिकन डाल देती हूँ। तो डाल लेते हैं, और इसे भी हम लोग भून लेते हैं कुछ देर। लोकल चिकन जो होता है ना उसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये बहुत जल्दी नहीं पकता है, जिस तरह से बाकी चिकन जो होता है जो फार्म वाला वो बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन लोकल चिकन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी मैं पहले इसको भून लेती हूँ। तो चिकन भुना गया है, तो इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं 2 चम्मच हल्दी डाल देती हूँ, काली मिर्च 1 चम्मच, धनिया 2 चम्मच, जीरा, ये भी जीरा भी मैं 1 चम्मच ऐड कर देती हूँ। तो लाल काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देती हूँ। अब इसमें हम लोग नमक डाल देते हैं, और मसाले को अच्छी तरह से मिला ली हूँ, तो अभी से कुछ देर में ढक करके धीमी आंच में पकाऊंगी। इसे मैं ढक देती हूँ, और आज थोड़ा सा धीमी आंच में इसे मैं पकाऊंगी। और इधर खाना भी हम लोगों का लगभग पकने ही वाला है, देखिए खाना भी हम लोगों का अब लगभग पकने ही वाला है। अब लगभग 10 मिनट हो गए हैं, तो इसको मैं खोल करके देखती हूँ किसकी स्थिति क्या है। वाह, बहुत अच्छा महक रहा है, लगता है बहुत अच्छा लगेगा। अब देखते हैं, मैं तो बना रही हूँ, अब देखो कैसा लगता है। महक तो बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा लगेगा।
कुकर चिकन भुना रहा है तब तक मैं चार टमाटर ली हूँ तो इसको काट लेती हूँ, धनिया पत्ता इसे भी मैं काट लेती हूँ। और हो सकता है तब तक ये भुना भी जाए, थोड़ा सा पक गया है तो इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, जोरदार अब भून लेती हूँ। मुझको भी लग रहा है कि सब भी खाने आई है, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छा बनाती है, इसका वीडियो जरूर देखिएगा और कॉपी करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा बना कैसा लगा। हाँ इनका बात आप लोग सुन लिए ना तो इनका बात को जरूर मानिएगा क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। देखिए हमारा चिकन पक चुका है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया पत्ता। बहुत सारा धनिया पत्ता डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ, बन रहा है अर्पण के लिए ऑमलेट। अर्पण जो है वो चिकन नहीं खाता है इसलिए मैं उसके लिए ऑमलेट बना रही हूँ। और अर्पण को ये पता नहीं है कि अंडा से ही बनता है चिकन। तो इस तरह से अर्पण ऑमलेट ही खाता है। वाओ बहुत टेस्टी बना है। सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चिकन करी से भी आप भी ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।